सो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है द नॉलेज में। मैं हूं हितेश गिरिगोसाई और आज हम जानेंगे रूबरू मिलकर दुनिया के कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी जानकारियां जो आपको अंदर से हिला देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले स्लिम ट्रिम बॉडी से। दोस्तों, जैसा कि आज के जमाने में स्लिम ट्रिम बॉडी रखने का क्रेज है, तो वहीं इथियोपिया में एक ऐसी जनजाति भी है जहां पर सबसे आकर्षित पुरुष उसी व्यक्ति को माना जाता है जिसका पेट, जी हां, जिसकी तौंद सबसे ज्यादा बड़ी हो। और इस जनजाति का नाम है BODI, बोडी जनजाति। और वजन बढ़ाने के लिए ये लोग एक अलग तरीके का उपयोग करते हैं जिसके बारे में देखकर सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल वेट गेन करने के लिए ये लोग दूध और खून से बने एक मिक्सचर का उपयोग करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि सबसे ज्यादा फैट किस दूध में पाया जाता है? अगर आपका जवाब भैंस है तो आप गलत हो। दरअसल बफेलो के अंदर 7 से 12 गुना फैट पाया जाता है, जबकि गाय के दूध के अंदर 3 से 5 गुना फैट पाई जाती है। पर इन सबसे काफी ज्यादा फैट हुडेड शील्ड नाम के प्राणी में पाई जाती है। उसके दूध में करीब 60% फैट, जी हाँ 60% फैट पाई जाती है। मतलब एक पूरा ग्लास दूध का भरा हो तो उसमें आधे से ज्यादा तो फैट होगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चंगेज खान एक ऐसा शासक था जो दूसरे साम्राज्य को जीतने के लिए अपनी बेटियों की शादी वहां के राजा उसे करवा देता था और इसके बाद उनको वो मंगोलिया सल्तनत में शामिल कर देता था। और इसके बाद जब कभी भी युद्ध होता था तो चंगेज खान इन राजाओं को सबसे आगे फर्स्ट रो में भेज देता था और इस कारण वहां पर उसके ज्यादातर दामादों की मृत्यु हो जाती थी और उसकी बेटियां उस सिंहासन पर बैठ जाती थी। और कुछ इस तरह चंगेज खान उन साम्राज्यों पर अपना 100% नियंत्रण कर देता था। नंबर 4, क्या दोस्तों आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है? बहुत से लोग कहेंगे कि AB नेगेटिव। फ्रेंड्स, दरअसल ह्यूमन ब्लड ग्रुप के कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, AB पॉजिटिव एंड AB नेगेटिव। इनमें से AB नेगेटिव बहुत ही कम जगह पर मिलता है, सिर्फ 1% डोनर ही AB नेगेटिव के पाए जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक ब्लड ग्रुप ऐसा भी है जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, जिसे हम बॉम्बे ब्लड कहते हैं। ये H कैटेगरी का ब्लड ग्रुप है और जैसे कि ये ब्लड ग्रुप जिसकी बॉडी में पाया जाता है उनके रेड सेल्स H टाइप के एंटीजेंस को रिलीज करते हैं। और ये ब्लड ग्रुप इंडिया में सबसे पहले 1952 में बॉम्बे में पाया गया था, इसलिए इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसके बाद दुनिया में कुछ और भी दुर्लभ और भी अपवाद लोग मिले जिनके अंदर एक बहुत ही रेयर बॉम्बे ब्लड से भी रेयर ब्लड ग्रुप पाया गया, जिस ब्लड ग्रुप को कहते हैं RH नोन ब्लड ग्रुप। और ये RH ब्लड ग्रुप दुनिया का सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है और इसे गोल्डन ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। दोस्तों, ये ब्लड ग्रुप इतना रेयर है कि करीब 750 करोड़ की इस पूरी पृथ्वी की जनसंख्या में ये ब्लड ग्रुप वाले लोग सिर्फ 43 ही है। दोस्तों, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन इसका एक जीता जागता सबूत अमेरिका में साल 1980 में देखने को मिला, जब एल्विटा नाम की एक महिला जो एक अपार्टमेंट में रहती थी और वो उसका रेंट नहीं चुका पा रही थी, तो उसका मालिक उसे बार बार परेशान करता था रेंट के लिए। और फ्रेंड्स, मकान मालिक से त्रस्त आकर ये महिला 86 की मंजिल से कूद गई। अभी फ्रेंड्स, अमेरिका में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है और 86 एक बहुत ऊंचा फ्लोर हो जाता है, तो 86 के माले से ये महिला उस बिल्डिंग से कूद गई और अचानक से एक तूफान या आंधी जैसा हवा का बहुत बड़ा झोंका आया जो इस महिला को गिरते गिरते वापस उठाकर उस 86 के माले पे ले जा फेंका। अब दोस्तों सोचिए कि एक महिला बहुत ही ऊंची इमारत से गिरती है, एक हवा का झोंका आता है और वो उसे कहीं और नहीं वापस उसी मंजिल पे, उसी के घर पे ले जा फेंकता है। अब इसे आप क्या कहेंगे? दोस्तों, बुगाड़ी वेरॉन एक ऐसी कार है जिसके इंजन का सिर्फ ऑयल चेंज करवाने के लिए आपको 13,60,000 रुपए देने होंगे। क्या करें, जो है सो है। दोस्तों, क्या आपने कभी हवाओं में चलने वाली ट्रेन देखी है?
इतनी ऊंचाई पर चलने वाली ट्रेन अर्जेंटीना में पाई जाती है। अर्जेंटीना का सेल्टा दुनिया का सबसे ऊंचाई पर आया हुआ रेलवे मार्ग है और यहाँ पर रेल समुद्र की सतह से 4000 मीटर ऊपर चलती है और जब कोई ट्रेन वहां से चलती है तो ऐसा लगता है जैसे ट्रेन बादलों के बीच हवाओं से गुजरकर निकल रही है। और अर्जेंटीना में इस जगह पर चलने वाली ट्रेन को ट्रेन्स ऑफ द क्लाउड भी कहा जाता है। दोस्तों अमेरिका की एक कंपनी ने हैड्रेन एक्स नाम का एक रोबोट बनाया है। अब इस रोबोट की खास बात क्या है फ्रेंड्स, ये रोबोट एक आम दिखने वाला घर जहां पर हम रहते हैं ऐसा नॉर्मल हाउस वो 2 से 3 दिन में अकेला बना सकता है। मतलब अब ऐसे अगर और रोबोट्स दुनिया में आ गए तो कंस्ट्रक्शन लेबर की तो दोस्तों ब्रूस ली जिसे हम सब जानते ही है, उनकी किक की रफ्तार इतनी खतरनाक इतनी ज्यादा तेज थी कि फ्रेंड्स उनके एक शॉट जब वो फिल्म करते थे तो एक एक शॉट में जब वो किक लगाते थे उस फ्रेम को 34 फ्रेम तक धीमा कर दिया जाता था। मतलब उस फ्रेम को 34 फ्रेम्स तक स्लो मोशन कर दिया जाता था, तब जाके दर्शकों को फिल्म में ये लगता था कि अरे वाह ये क्या फास्ट किक मार रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स वो भी धीरा करके बताया था तब उनको फास्ट लगा। असल में उनकी किक की गति इतनी ज्यादा तेज थी कि कोई भी अगर उस सीन को देखता तो उसे यही लगता कि ये हमें उल्लू बना रहे हैं। इसलिए उनकी किक को एकदम फास्ट आई फास्ट चली गई ऐसे ना लगे इसलिए 34 फ्रेम तक उसे धीमा कर दिया जाता था। फिर भी लोगों को वो फास्ट लगती थी। दोस्तों आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि दुनिया का सबसे कीमती सोप, जी हाँ सबसे कीमती साबुन करीब 2,70,000 रुपए का बिकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस साबुन को कतार सोप कहा जाता है और इसमें सोने और डायमंड का पाउडर होता है और ये दुनिया का करीब 2.5 लाख रुपए का एक इतना सा साबुन बिकता है। मतलब क्या यार इसे नहाने के बाद हम चमकने लगेंगे, अब वो तो पता नहीं लेकिन इसे खरीद कर नहाने वाले 2 बार सोचेंगे। फ्रेंड्स हम आमतौर पर कुछ लोगों को जब उनके साथ बहुत अच्छी घटना घट जाती है हम कहते हैं कि ये बहुत ही भाग्यशाली है नसीब वाले है। लेकिन क्या फ्रेंड्स आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे नसीब वाला इंसान कौन है? फ्रैंक शेल्क को दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान माना जाता है। अब ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स फ्रैंक अब तक ट्रेन हादसे, प्लेन क्रैश, बस हादसे, नदी में गिरने के बाद वाले हादसे, इन सभी हादसों में बच गए हैं और ये सभी हादसे डेंजर और सबसे खतरनाक हुए थे। इतना ही नहीं एक बार तो ये ट्रेन की टक्कर में भी आ गए थे फिर भी बाल बाल बच गए, मतलब चोट आई थी लेकिन जिंदा बच गए। और सिर्फ इतना ही नहीं इसके बाद उन्हें साल 2003 में $1 मिलियन की लॉटरी भी लगी थी। सोचिए दोस्तों कितना नसीब वाला है ये इंसान। फ्रेंड्स एक इंसान की हाइट कब तक बढ़ती है? जनरली 18 या 19 साल तक। लेकिन फ्रेंड्स एक इंसान ऐसा भी है जो इस गणित को थोड़ा बिगाड़ देता है, एडम रेनर। जी हाँ इस शख्स को कहते हैं एडम रेनर। एडम रेनर के पास दुनिया का सबसे छोटा व्यक्ति होने का और सबसे ऊंचा व्यक्ति होने का दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब ऐसा कैसे हो सकता है सबसे बौने भी और सबसे ऊंचे भी? तो फ्रेंड्स जब एडम 18 साल की उम्र के थे तब उनकी हाइट सिर्फ 3 फीट और 7 इंच ही थी। जी हाँ फ्रेंड्स 18 साल की उम्र तक 3.5 फीट के थे। लेकिन फ्रेंड्स वो 18 के बाद बढ़ने लगे और 51 साल की उम्र होते होते उनकी हाइट हो गई 7 फीट और 8 इंच। सोचिए दोस्तों। फ्रेंड्स हम लोग खेतीबाड़ी कैसे करते हैं, मतलब धान कैसे उगाते हैं? तो जमीन पे उगाते हैं। लेकिन इजराइल है दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां पर फार्मिंग वर्टिकल की जाती है। वर्टिकल मतलब ऐसी खड़ी, हॉरिजॉन्टल मतलब सपाट जमीन पे हम जो फार्मिंग करते हैं, और वर्टिकल वो लोग वर्टिकल फार्मिंग करते हैं। अब वर्टिकल क्यों? क्योंकि वहां पर जमीन की कमी है, बहुत ही कम जमीन है उनके पास, लोग है, और इसलिए ये लोग वर्टिकल यानी कि दीवारों के अंदर जगह जगह रखकर वहां पर फार्मिंग करते हैं, वहां पर सब्जियां उगाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे उसके बारे में अगर आपके कोई सुझाव है तो हमें बताइए। और द नॉलेज जैसे ही चलता था वैसे ही चलता रहेगा, बीच बीच में यार वीडियो की शॉर्टेज है इसलिए फैक्ट्स भी आ जाया करेंगे, लेकिन आपके लिए मैं बेहतरीन काम कर रहा हूं जिससे आपको फ्यूचर में अच्छे बहुत ही अच्छे वीडियोज मिल सके।
तो तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें और जुड़े रहे द नॉलेज के साथ। हैव अ गुड डे, टेक केयर।